उज्जैन शहर में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में निराश्रित जरूरतमंदों के पास शहर के आम नागरिक भोजन बनाकर सैकड़ों पैकेट पहुंचा रहे हैं, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग भूखे न रहें। उज्जैन शहर में इस समय जहां कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और लोगों के काम धंधे, व्यापार व्यवसाय सब बंद पड़े हैं, ऐसे में जो कई मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वह अन्य शहर और गाँव से आकर उज्जैन शहर में मेहनत मजदूरी करते हैं। ऐसे गरीब मजदूर निराश्रित भूखे न रहे, उसी को लेकर शहर के आम नागरिक सैकड़ों पैकेट भोजन के कंप्लीट करके वितरित कर रहे हैं, ताकि ये भोजन कर सके और भूख प्यास से बच सके। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन शहर की अगर बात करें, उज्जैन शहर और जिले के अंदर प्रतिदिन यहाँ सामान्य दिनों पर बड़ी संख्या में मेहनत मजदूरी करने के लिए कई परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचते थे। अब बाकी अगर बात करें तो कर्फ्यू लगा हुआ है और इस कर्फ्यू के दौरान जो है सारे व्यापार व्यवसाय सहित मेहनत मजदूरी बंद है, और ऐसे में अब जो बाहर के मजदूर हैं वह अपने घरों को जाने के लिए जो है उत्सुक बने हुए हैं और वह अपने घरों को जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर बात करें शहर के जितने भी प्रमुख रोड हैं, उन रोडों पर इस समय ना तो बस चल रही है और ना ही कोई साधन चल रहा है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि शहर के जो प्रमुख रोड हैं उन पर ये मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार के लोग हैं, बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में महिलाएँ बैठी हुई हैं, और ये जो लोग हैं बसों का इंतजार कर रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए। मदे, क्या नाम है आपका और कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम सिद्धिगंज नगर। यूपी जा रहे हैं? सिद्धिगंज नगर। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सीमर जिला। और ये अभी यहाँ पर कहाँ रह रहते हैं? अभी राजस्थान से आ रहे हैं। अच्छा, तो वो क्या बस वगैरह कुछ मिल नहीं रही क्या आपको जाने के लिए? क्या नहीं मिले? कब से बैठे हुए आप लोग यहाँ पर? अभी आधा घंटा। अच्छा, अभी कोई साधन नहीं मिला? नहीं मिला। भैया बताइए, यह कौन सा मोहल्ला है और किस प्रकार से जो है जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया जा रहा है और किस प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाइयों का काढ़ा वितरित किया जा रहा है? ये अंकपाद मार्ग चैरिटेबल हॉस्पिटल के पास शीतला माता का मंदिर है, और यहाँ से हम पिछले लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन के समय हमने भोजन प्रसादी का वितरण किया था, और इस बार भी सभी दोस्त लोगों ने मिलकर वापस दो रोजों का हमको भोजन प्रसादी वितरण कर रहे हैं, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको यहाँ से भोजन वितरण कर रहा है। और अगर वो यहाँ नहीं आ रहा, हमारे को पता है कि अगर पास में कोई मोहल्ले मिल रहा है तो हम वहाँ जाकर भी दे रहा पैकेट। उज्जैन शहर की अगर बात करें, हम इस समय जो है अंकपात मार्ग पर खड़े हुए हैं और बड़ा ही प्राचीन जो है माता जी का मंदिर है, शीतला माता मंदिर। यहाँ पर अगर बात करें, इस क्षेत्र के कई होनहार युवक और स्थानीय रहवासियों के द्वारा ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जो भूखे रहते हैं या उनको समय पर भोजन नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। पिछले दो दिन से जो है निरंतर भोजन के पैकेट यहाँ पर कंप्लीट किए जा रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन पहुँचाया जा रहा है। साथ ही अगर बात करें तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ताकि वह बीमार ना हो, निरोग रहे, उसको लेकर काढ़े का वितरण भी यहाँ पर किया जा रहा है। किस प्रकार से यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं उनके मन में ख्याल आया कि लोगों की मदद की जाए और किस प्रकार से वह अपनी सेवाएँ इस दौर में दे रहे हैं? बताइए भैया, क्या नाम है आपका और किस प्रकार से आपके मन में ख्याल आया कि ज़रूरतमंदों को भोजन इस समय दिया जाए? जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में पिछले हाल जो लॉकडाउन की प्रक्रिया चली थी उस साल उसको, जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस के चलते अभी हमारे शहर उज्जैन जिला में लॉकडाउन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तो हमने हमारे मन में, हमारे सभी साथियों के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ज़रूरतमंदों तक हम भोजन सामग्री वितरित करें। उसी कड़ी में हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष्मान काढ़े का वितरण भी किया गया। 100 परिवारों तक हमने कोरोना जिससे लड़ने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने काढ़ा वितरण किया गया, और हमारे सभी साथीगण यहाँ पर अपने तन मन धन से यहाँ पर जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगे हैं। तो देखा किस प्रकार से जो यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं उन्होंने बताया कि जो इस समय जो गंभीर महामारी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और उज्जैन शहर में जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वह भूखे ना रहे, उनके पास जो है भोजन की व्यवस्था की जा रही है, उनको भोजन पहुंचाया जा रहा है, साथ ही जो है दवाई और काढ़े का वितरण भी किया जा रहा है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, HW24 के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल HW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।